ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता का 13वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि पांच महाभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया भी तथा 10 इंद्रियां अर्थात स्रोत त्वचा नेत्र रचना और घ्राण एवं वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध तथा इच्छा द्वेष सुख दुख और स्थूल देखा पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव दंभाचरण का अभाव प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि अंतःकरण की स्थिरता मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि दुख दोषों का बारंबार विचार करना पुत्र स्त्री घर और धनादि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का न होना मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यवचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसे कहा है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, इसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है, और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है
तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबका उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमय माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार स्वयं न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वालों पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हुई जान अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वही देखता है क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है और ना लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता है वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण
देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक ही आत्मा की सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।